जब वन अलाइव था तभी ऐसा हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हॉल ड्रॉप करने के चक्कर में इस प्लेस पे दो और रैंडम बंदों के साथ उतर गया। मुझे रूट भी अच्छी मिल चुकी है और आगे से बॉट फायरिंग भी चल रही है, इसलिए मैं बॉट मारने के लिए चल पड़ा। तभी मुझे एक बॉट को शिकार करने वाला एक मासूम सा जानवर भागते हुए दिख गया। इसको तो हमने बहुत ही बेरहमी से इसके ऐसे लॉबी में भेज दिया और इसके बाद इसके पेटी से हम हमारे कुछ काम लायक चीज़ों को उठा के आगे चल पड़े। Few moments later. हम बॉट फायरिंग साउंड का पीछा करते करते इधर तक आ गए। तभी हमें मासूम बॉट को मारता हुआ एक बंदा दिख गया। उसके बाद इसके पेट लूटने के लिए जा ही रहे थे तभी एक और बंदा दिख गया। मैंने तो इसको बॉट समझ के छोड़ने का फैसला किया था, पर ये तो साक्षात प्लेयर निकला। इसके साथ तो एक और आया था और हमने इसको भी ठोक दिया। इसके बाद हमने हमारे बैग में कुछ काम लायक चीज़ों को भर दिया और चल पड़े। अब जोन भी हमारी तरफ से हट चुका था और हम जोन की तरफ भागने की तैयारी कर रहे थे। तभी हमें फुटस्टेप्स आ गए और एनिमी भी दिख गए। अगर आप इनको बॉट समझ रहे हैं तो आप गलत हो। जब आप सीजन के एंड तक भी डायमंड टीयर में हो तभी आपको पता चल जाएगा। हमें जोन की तरफ भी भागना था, तभी हमें गाड़ी दिख गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। अब हम जोन के बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं और हमने टॉप पे होल्ड करने का फैसला किया, क्योंकि मिरामार में टॉप पे होल्ड करने का मतलब आपको दूर दूर तक एनिमी नज़र भी आ जाएंगे और कवर भी ले सकते हैं। उसी वक्त हमें दूर से प्लेन का आवाज़ आया और ड्रॉप भी गिर रहा था, इसलिए हम ड्रॉप के पीछे चल पड़े और हम ड्रॉप का पीछा करते करते इधर तक आ पहुँचे। मैं इधर टिप भी लेने लगा और उसी वक्त हमारा नंबर टू के पास कोई आ गया और उस पर फायर कर दिया। और अब नंबर थ्री को रिवाइव करने के बाद हम फिर से जोन की तरफ चल पड़े। और कुछ दूर तक जाने के बाद हमें फिर से शूटिंग का आवाज़ आया और मार्क साइंस भी आ गए, इसलिए मैंने सामने वाले रिज पे रुकने का फैसला किया। उधर जाके देखा तो कोई एनिमी स्पॉट नहीं हुआ, इसलिए हम राइट वाले वेरोस पे जाने की कोशिश की। उधर हम होल्ड करने वाले थे तभी दो एनिमीज दिख गए। मैं इन रैंडम बंदों के साथ फाइट नहीं लेना चाहता था, इसलिए चल दिया उधर से।
और आगे वाले एक और एरोस पे होल्ड किया और उधर से भी जोन हट गया। इसलिए कुछ हाइट पे आके एनिमी स्पॉट करने की कोशिश की, पर इधर से भी एनिमीज नहीं दिखे। इसलिए फिर से जोन की तरफ चल पड़े। हम फिर से उधर ही आ गए जिधर से हम भाग रहे थे। अभी हमारे अलावा बस दो एनिमी बचे हैं, वो हमारे सामने वाली बिल्डिंग पे है। उनके नेड के बाद मैंने भी नेड फेंकने की नाकाम कोशिश की। तभी उनकी तरफ से फायरिंग का आवाज़ आया, तभी मुझे एक बंदा देखा। और नंबर फोर को हज़ार बार मना करने के बावजूद भी वो आगे चला गया। और उसी समय नंबर फोर टपक गया। इधर मेरी हरकतें थोड़ी नूब वाली है, पर ठीक है, गेम तो जीत गए। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। एंड और इस घटिया सा गेम प्ले और वॉइस ओवर के साथ सेवन है।